सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। आने वाले 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव का असर सभी पार्टियों पर देखने को मिल रहा है। जहां बीते रोज आम आदमी पार्टी अपने 5 साल के कामों को गिनाती हुई दिखाई दी, तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी के कच्चे चिट्ठे खोलने में लगी हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आपसी राजनीतिक मुठभेड़ के बाद अब कांग्रेस ने दोनों ही पार्टियों पर अपना सीधा निशाना साधा है। कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर अपनी नाराजगी जताई है। सुभाष ने कहा कि बीजेपी सरकार महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। पहले प्याज की कीमतें, जिन पर अब तक कोई असर देखने को नहीं मिला, और अब रसोई गैस। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए साल से रसोई गैस की कीमतों पर करीब 19 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सुभाष ने बीजेपी पे निशाना साधते हुए ये भी कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है, महंगाई सिर्फ बढ़ी है, आम आदमी की राहत के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं है। वहीं सुभाष ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नागरिकता संशोधन एक्ट के पास होने के 4 दिन तक चुप्पी साधे हुए थे। बता दें कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन एक्ट के समर्थन में बिल्कुल नहीं है। वे राजधानी में हो रहे आंदोलन में शामिल हो रही है और साथ ही आंदोलन कर रहे लोगों के समर्थन में है। खबरी चौखट से भावना की रिपोर्ट।